डीपीके न्यूज तेवर वही अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति बेड़ता सिटी की ग्राम पंचायत टुंकलिया से जो सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो राम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। तो राम प्रकाश जी ये चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का, इनसे बात करेंगे। और टुंकलिया के अंदर सबसे बड़ा जो निजी है या पंचायत का स्रोत, तो वो भी काफ़ी है। तो पंचायत के अंदर इनका कौन कौन से एजेंडे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन कौन से वादे कर रहे हैं? तो सर जनरल में स्वागत है आपका। डीपीएस में सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की पंचायती राज में सबसे पहले जो हमारे राजनीतिक मुद्दा है, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर स्कूल का विद्यालय भवन और स्टेडियम बनाना, दूसरा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर गौरव पथ बनाना, तीसरा स्वास्थ्य उप केंद्र खुलवाना, और जो इनकम के सोर्सेज हैं पंचायती राज के, उनका संपूर्ण रूप से समन्वय करके ग्राम पंचायत के तीनों राजस्व गाँव का सार्वजनिक रूप से विकास करवाना। तो जैसे पूरे भारत देश की बात करेंगे पंचायत राज की, तो नागौर से स्थापना हुई, नींव रखी थी, लेकिन कहीं न कहीं पंचायत राज कमजोर है, इसका कारण क्या है सर? मूल रूप से जो मैं कारण मानता हूँ वो है अशिक्षा, और अब जो वर्तमान में योग्यता निर्धारित कर रखी है, और इस योग्यता निर्धारण करने की वजह से अब जो शिक्षित लोग आ रहे हैं और वो पढ़े लिखे लोग संपूर्ण रूप से हमारे संविधान की रक्षा करके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पंचायती राज को दिनों दिन अच्छा बना रहे, मजबूत बना रहे, लोकतंत्र को मजबूत बना रहे। तो आप एक शिक्षा से जुड़े हो, तो आपने शिक्षा से जुड़ने के बाद में यहाँ की जो जनता है, यहाँ से कितने जो युवा है उनको लिए रोजगार की व्यवस्था की, और आगे कितने लोग आपके बड़े जो सरकारी सुविधा के अंदर जो नौकरी लगे? यहाँ मूल जो स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जो रोजगार मिल रहा है, ये लोकल जो फैक्ट्री है उनमें हमारे यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए मैं सदैव प्रयत्नरत रहूँगा। तो बात करेंगे न्यायपालिका की। प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल पाता, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ की जनता आपकी बार आपको मौका देती है, तो क्या जनता को सही न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मैं इसका ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर पारस्परिक समन्वय स्थापित करवा के न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जी, तो हमने देखा है राजस्थान के अंदर पूरे जो पंचायतों के अंदर बहुत सी निजी है, क्या जो स्रोत आपने बताया, आपके सीमेंट फैक्ट्री भी है, तो हमने चित्तौड़ में भी देखा था पिछली बार, हम वहाँ पे गए भी थे, जनता की बहुत बड़ी समस्या थी, फैक्ट्री काम नहीं कराती, जो रोजगार है वो रोजगार नहीं दिलाती। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो क्या जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए फैक्ट्री के द्वारा, वो दिलाने की कोशिश रहेगी आपकी? मैं जनता को पूरा आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारे आय के इनकम सोर्स है माइनिंग विभाग के, उनका पूर्ण रूप से पंचायती राज के नियमों अनुसार जो आय होगी उनका संपूर्ण विकास ग्राम पंचायत की सभी राजस्व में विभाग में सभी राजस्व विभाग में संपूर्ण रूप से जो बंटवारा है वो करके इस विकास का कार्य करवाऊंगा। तो राम प्रकाश जी, हमने देखा है जब सरपंच बनने के बाद में ऐसे जो बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उसमें भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सरपंच भी लिप्त हो जाते हैं, वो जनता की आवाज़ नहीं सुनते, बाद में मीडिया के सामने भी जनता अपना जो दुख है वो प्रकट करती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो क्या जनता के विश्वास पर आप खरे उतरोगे? बिल्कुल खरा उतरूंगा, और मेरा जो कार्य होगा वो संपूर्ण रूप से वार्ड स्तर पर एक समिति बनेगी, और समिति के जो नियम, समिति का जो सुझाव होगा उस सुझाव के अनुसार पूर्ण रूप से संवेदनशील और पारदर्शिता रख के कार्य करूंगा। जी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देगी, तो क्या वो धरातल पर योजनाएं काम करेगी? सही, बिल्कुल करेगी। मैं गरीब को गणेश मानकर उनको, उनके जो कार्य हैं वो पूर्ण करवाऊंगा। जी, तो यहाँ की जनता को आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं विशेष रूप से 3 तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें अब मेरा वोट और सपोर्ट दोनों करके 3 तारीख को मुझे विजय बनाएं, और मैं इनके संपूर्ण रूप से जो आकांक्षाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और मेरा चुनाव चिन्ह ब्रश है। तो ये थे हमारे साथ राम प्रकाश जी। तो अब की बार यहाँ की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। मैं राम प्रकाश, ग्राम पंचायत टुंगलियां के सरपंच प्रत्याशी, आप लोगों से संपूर्ण रूप से 3 तारीख को अधिक से अधिक मत और समर्थन के लिए अपील करता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ब्रश है।